मोदी ने की 92 विदेश यात्रा, ये पीएम एक बार भी नहीं गया विदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों की काफी चर्चा रहती है और उनके विदेशी दौरों पर हुए खर्च को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पीएम रहते हुए एक भी विदेश यात्रा नहीं की? जानते हैं वो कौन है और साथ ही अन्य प्रधानमंत्रियों का क्या रिकॉर्ड है? अगर नरेंद्र मोदी दो देशों का और दौरा कर लेते हैं तो बतौर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दुनिया के अन्य देशों की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है तो उन्होंने कुल 92 देशों, एक ही देश की दोबारा यात्रा भी शामिल, की यात्राएं की हैं। वहीं पूर्व इंदिरा गांधी ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान 113 देशों की यात्राएं की थी। अभी तक इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं करने वाली प्रधानमंत्री हैं। वहीं पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी एक यात्रा पीछे हैं। मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में 93 देशों, एक ही देश की दोबारा यात्रा भी शामिल, की यात्राएं की थी। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के दो कार्यकाल के दौरान 93 देशों की यात्राएं की थी, जबकि मोदी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कुल 92 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 55 महीने के कार्यकाल के दौरान विदेशी दौरों पर हुए खर्च का ब्यौरा देखा जाए तो मई 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अब तक के विदेश दौरे पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। अगर मोदी के 92 देशों के दौरे के दौरान 2021 करोड़ रुपए खर्च के आधार पर देखा जाए तो उनके हर एक देश के दौरे पर औसतन 22 करोड़ रुपए खर्च हुए। विदेश यात्राओं के लिहाज से मोदी के लिए 2015 से 16 का साल बेहद व्यस्त रहा क्योंकि उन्होंने उस साल 24 देशों की यात्राएं की। वहीं देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान वे किसी भी विदेश दौरे पर नहीं गए।